नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते आज की खास खबर। आंबेडकर के दो करीबी बंदी, जमीन और सोना बेचने के नाम पर कई व्यापारियों को ठगने और फिरौती मांगने वाले अपराधी संतोष आंबेडकर के दो करीबी साथी पुलिस की गिरफ्त में है। एक ने खुद सरेंडर कर दिया और दूसरे को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में अकोला निवासी कृष्णा थोटांगे और घाटकोपर मुंबई निवासी जगन जगदाले का समावेश है। दोनों ही आंबेडकर के करीबी बताए जाते हैं। लंबे समय से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। ऐसे में कोर्ट से उनकी संपत्ति जब्त करने की मांग की गई। दबाव बनता देख कृष्णा ने अपने वकील के साथ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने उसे 10 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को पुलिस ने जगन को भी गिरफ्तार कर लिया है, वह भी पुलिस हिरासत में है। कृष्णा ने कम समय में ही अकोला में अपना नाम बना लिया था। उसका काला पैसा कृष्णा ने कंस्ट्रक्शन के काम में लगाया, अकोला में कई बिल्डिंगें बनाई। गुजरात के व्यापारी जिगर पटेल के साथ हुई धोखाधड़ी में भी कृष्णा शामिल था। जगन पटेल ऑटो चालक था, एक मामले में वह नासिक जेल में बंद था। इसी दौरान उसकी पहचान आंबेडकर से हुई थी। जेल से छूटने के बाद आंबेडकर ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। मुंबई में बड़े व्यापारियों को सस्ते दाम में सोना दिलवाने का झांसा देकर जगन व्यापारियों को आंबेडकर से मिलवाता था। उनसे मोटी रकम लेने के बाद फिरौती मांगी जाती थी। आंबेडकर पर शिकंजा कसे जाने के बाद से दोनों फरार थे। पुलिस आंबेडकर के खिलाफ अब तक 13 मामले दर्ज कर चुकी है। अब तक लगभग एक दर्जन आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। रक्षक ही बना भक्षक, यह खबर चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी से है। यहाँ एक 7 साल की बच्ची पर उसी के दादा ने किया अत्याचार। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्ची की माँ का देहांत हो गया है, वही उसके पिता बाहर गाँव में रहते हैं। ऐसे में बच्ची के पोषण की जिम्मेदारी उसके दादा दादी के तरफ आ गई। बच्ची वही स्थानीय स्कूल के कक्षा 2 में पढ़ती है। बुधवार के दिन खाने की छुट्टी के समय जब वह खाना नहीं खा रही थी, तब शिक्षकों द्वारा पूछे जाने पर बच्ची ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर सब हैरान हो गए। उसने बताया कि उसके दादा द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया गया। इसके बाद इस घटना की जानकारी शिक्षकों द्वारा पुलिस को दी गई। इस मामले में ब्रह्मपुरी पुलिस ने तत्काल कदम उठाते हुए बच्ची के 60 वर्षीय दादा सुधाकर पिल्लारे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्ची को जिला अस्पताल भेजा गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।